ओके, आज का आपका टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। इससे पहले जस्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ये वर्ड है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो जो ग्लाइको होता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ग्लूकोज के लिए। और जो लाइसिस वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। जो भी जैसे ग्लाइकोलाइसिस है तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो गया, हीमोलाइसिस होता है तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज वगैरह होता है, तो जिसके आगे भी लाइसिस लगता है दैट मीन्स उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है और कैसे होता है और कौन कौन से इसमें हम लोग इंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं बीच बीच में। ओके, तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही जो साइकिल होते हैं उसके कई नाम होते हैं, तो जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इसका दूसरा नाम है ईएमपी, ठीक है, ईएमपी पाथवे बोलते हैं हम इसको। मैं अब बताती हूँ कि क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्डिन बेरहॉफ पार्नस पाथवे, ठीक है, ईएमपी पाथवे। एम्डिन बेरहॉफ पार्नस पाथवे जो है वो क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इससे पहले एरोबिक और एनारोबिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। एरोबिक का क्या होता है, मतलब कोई भी कैटाबॉलिज्म जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है उसको हम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे दो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो जो प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और जो एब्सेंस में हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ओके, जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के, मतलब विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, एनारोबिक हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्डिन बेरहॉफ पार्नस पाथवे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सच एज द लीवर, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, और लैक ऑफ ऑक्सीजन सच एज स्केलेटल मसल, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट आता है, ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जितने भी एंजाइम्स चाहिए ये ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए, मतलब ग्लूकोज से पाइरूवेट क्या है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होते होते, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होते होते पाइरूवेट आने तक जितने भी ये एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट में रहते हैं सेल के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, ऑल दो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज लाइक लिवर एंड किडनी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस अकर्स ओनली इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। पहले भी हमने देखा कि जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लिवर में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, और जो एनारोबिक है वो कहाँ हो रहा है, मसल सेल्स, मतलब मसल्स में हो रहा है, स्केलेटल मसल्स जो भी हैं वहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अब हम अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं। साइकिल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ हुए हैं, एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, यहाँ पे एनएडीएच हो गया, तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, एटीपी जो है, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उसके बाद यूज़ हो रहा है वहाँ पे एडीपी होता है एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। उसके अलावा एक और यूज़ हो रहा है एनएडीएच, तो एनएडी जो है
वो होता है निकोटिनामाइड, टिनामाइड, एडेनाइन, डाइफॉस्फेट, सॉरी डाई फॉस्फेट, और लास्ट है यहाँ पे एक यूज़ हुआ है दैट इज़ इधर पीआई। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये सारे जो हैं वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइकिल कैसे हो रहा है। जितना भी ये ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है वो सारे एंजाइम्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अच्छा एक और चीज़, इस साइन का मतलब है कि इरिवर्सिबल, जो भी वो कैटाबॉलिज्म हो रहा है वो इरिवर्सिबल है, और इसका मतलब है कि रिवर्सिबल है। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब है कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है तो वो वापस ग्लूकोज नहीं बन सकता है, लेकिन अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है तो वो रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्क इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, किसके प्रेजेंस में, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज जो होता है ये जो हेपेटिक टिश्यूज़ होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें, सॉरी एक्सटर्नल हेपेटिक टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पे ये स्टोर रहता है, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, और वहाँ से ये रिलीज होते हैं ताकि ग्लूकोज का क्या हो, ब्रेकडाउन हो पाए फर्दर, और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए। ओके, तो ग्लूकोज क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज, और ये क्या रिलीज कर रहा है, सॉरी ये कंज्यूम कर रहा है 1 ATP। ठीक है, ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ADP। ठीक है, ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, दिस इज़ फॉर क्या कंज्यूम कर रहा है, और ये वाला जो साइन है इसका मतलब है कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो भी कैटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें उसने एक ATP को यूज़ किया, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक ADP प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आया है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज के प्रेजेंस में। ठीक है, सॉरी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो फर्दर फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में, नेक्स्ट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो फर्दर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में। ओके, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, ATP यूज़ हो रहा है, फिर से ATP कंज्यूम हो रहा है, और उसके बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ADP। ठीक है, ADP और ATP का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, एक में क्या हो रहा है, एल्डोज जो एंजाइम है, एल्डोज की प्रेजेंस में ये, सॉरी 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब ये वाले जो प्रोसेस है वो भी क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब ये अगर यहाँ से इधर कन्वर्ट हो रहा है तो वापस भी ये हो सकता है। नाउ क्या हो रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज में। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज।
ठीक है। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, एक NAD प्लस रिलीज हो रहा है और एक NADH प्लस H, मतलब H इज फॉर हाइड्रोजन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1,3-bisphosphoglycerate जो है वो फर्दर डिवाइड कन्वर्ट हो रहा है 3-phosphoglycerate में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होता जा रहा है। 1,3-bisphosphoglycerate जो है वो 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ओके, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 3-phosphoglycerate जो है वो 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज में। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2-phosphoglycerate जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेज वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोएनोल पाइरूवेट में। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है, फॉस्फोएनोल पाइरूवेट जो है वो पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में, पाइरूवेट काइनेज जो एंजाइम है वो उसको ब्रेक डाउन करेगा पाइरूवेट में। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है ADP कंज्यूम हो रहा है और ATP रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होते होते कहाँ पे आ जाता है, पाइरूवेट पे हो जाता है। और पाइरूवेट क्या है, पाइरूवेट वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को एनर्जी फॉर्म में चाहिए, एनर्जी चाहिए यूटिलाइज करने के लिए और बाकी सारी बॉडी के फंक्शंस करने के लिए। तो ये था आज का आपका टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।